चीनी कैसे दी है इन्होंने? रेट मैंने 500 दिया, बकाया मैंने नहीं देख रहा। मैं रमजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दादी। आज का हमारा दौर रमज़ान शरीफ में लगे हुए रमज़ान बाज़ार के मुतालिक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ़्फ़रगढ़ का रमज़ान बाज़ार इस वक्त लगा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से लगाया गया है। मेरे बैग पे आप देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई से छुटकारा हासिल करने के लिए अवाम के लिए बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। अभी कितने सस्ते हैं, अवाम को कितना इनका फ़ायदा हो रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं बाज़ार के अंदर और अशियाए खुदनोश की कीमतें चेक करते हैं आज और देखते हैं कि आम बाज़ार की नस्बत क्या ये बाज़ार सस्ता भी है या सिर्फ अवाम को बनाया जा रहा है। तो अब चलिए चलते हैं हम बाज़ार के अंदर और अशिया की कीमतें जानते हैं, उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे आवाम से और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। Thank you.
चीनी कैसे दे रहे हैं ये बाज़ार वाले? ये 65 रुपये दे रहे हैं। 65 रुपये? हाँ जी। ये आम बाज़ार की नस्बत सस्ती है या महंगी है? बाज़ार से सस्ती है। सस्ती है? हाँ। कितना एक रेट कम है बाज़ार? आम बाज़ार में क्या रेट चल रहा है और यहाँ क्या रेट है? आम बाज़ार में 100-110, इधर 65 रुपये। ये चीनी ठीक है? हाँ चीनी ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आसानी से मिल जाती है या कोई मसला है बाज़ार में? लाइन लगनी पड़ती है। हाँ। कोई और टोकन वगैरह या इसका कोई सिस्टम तो नहीं है? बाकी बाज़ार कैसा है, आप मुतमईन हैं बाज़ार से? आप हुकूमत के इस इंतज़ाम से मुतमईन हैं? जी हम मुतमईन तो हैं, हम कहते हैं कि ये चीनी ना कम रेट में कर दें, ये लाइन वगैरह लाइन वाला सिस्टम जो है ये ख़त्म कर दें, और तकरीबन 70-80 रुपये कर दें और आम कर दें चीनी, ये लाइन वाला सिस्टम ना, और बंदे दलील को लाइन में ना रहो। और कितनी दे रहे हैं ये आपको? ये 4 किलो दे रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं देते? नहीं इससे ज़्यादा नहीं देते। और आटे का क्या रेट दे रहे हैं? आटे का तो हमने नहीं लिया, मेरा ख्याल में 375 है। बहुत शुक्रिया जनाब। रमजान बाज़ार से। और खजूर रमजान रेट क्या मिला है? 158 रुपये। 158 रुपये एक केजी है? एक खजूर का है। एक किलो है? ये बादाम तो नहीं किया है उन्होंने, तो 1 किलो बना दिया। और ये चीनी कितनी केजी है? 5 किलो? 4 किलो। 4 किलो। इसका रेट का नहीं पता कितने की दिया? मैंने नहीं देखा, बकाया तो उन्होंने दिया, मैंने देखा। आपने क्या लिया भैया? सेमियाँ सब्जी। बाज़ार ठीक है? सस्ता है या महंगा है? हाँ एक ही जैसा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें? एक दो का फ़र्क है। तो मुतमईन नहीं आप इस बाज़ार से? सही है। 20 रुपये प्याज, 2 रुपये का फ़र्क है। एक ही रेट है भैया? एक ही रेट है, कोई फर्क नहीं अंदर बाहर। तो ये इसका अलग बाज़ार लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई तो फ़ायदा होगा जो हुकूमत ने ये इंतजाम किए हैं। हुकूमत ने अपना फ़ायदा सोच रही है, आवाम का फ़ायदा नहीं सोच रही, अपना फ़ायदा सोच रही है। अपना फ़ायदा सब्सिडी उनको दे रहे हैं जो अपने बंदे। आप बाज़ार के बंदे हैं या बाहर से? बाज़ार के। आप बाज़ार के हैं, इंतज़ामिया में हैं आप? तनख्वाह पे हैं? कितनी तनख्वाह? नहीं मैं काम करता हूँ दुकान पे अंदर। अच्छा दुकान पे काम करते हैं। ड्रामा है ये सारा? चलें शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ यूनिट स्टोर पर, और यहाँ आप लाइन देख रहे हैं, रश देख रहे हैं आवाम का। आवाम यहाँ लाइन में लगकर अपना सामान ले रहे हैं। आवाम से पूछते हैं कि ये क्या लेने आए हैं और क्या चीज़ मिल रही है और किस रेट में मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, किस लिए लाइन लगाई हुई है ये? जी चीनी है ये यहाँ से मिल रहा है? क्या रेट मिल रहा है घी चीनी? अभी अंदर गए तो फिर पता चलेगा। पहले नहीं ले कभी? नहीं कभी नहीं। आज पहले दिन चले जाते हैं, लाइन लगे एक एक घंटा खड़ा खड़ा के हमें भगा देते हैं। अभी रोजे का टाइम है, 500 बंदे अंदर जा रहे हैं, अब लोग लाइन वाले बाहर खड़े हैं, ये गार्ड के तमाशे बने हुए हैं। ये अंदर वाले जो शपारती लोग हैं ये पहले जा रहे हैं, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये सब बंदे खड़े हैं, सबसे पूछ लो शपारती बंदे अंदर क्यों गए?
तीन बजे के खड़े हैं, आप देख लेते हैं हमने क्या रूम मैंने लाइन है सर इंतजामिया में कौन है यहाँ पे? इंतजामिया में कौन है? सिफारसी बंदे अंदर जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, अपने आप को से देख रहे हैं, हमें दो घंटे हो गए खड़े हैं लाइन लगा के, जो भी आता है अंदर चला जाता है, सिफारसी फोन करा के अंदर चला जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी है, या तो ये बंद कर दें या तरीका सार अच्छा रहे। तो यहाँ चीज़ें सस्ती हैं आम बाज़ार की नस्बत? पता नहीं है सर, हम अगर जाएंगे तो पता चलेगा। आप आए हैं यहाँ लेने के लिए, कुछ सुन के आए होंगे? मिलते हैं ना उनके साथ, कहते हैं और चीज़ें भी खरीदो फिर सस्ती मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। चार पाँच साल आपने सुन लिया आवाम के व्यूज, यहाँ ये लाइन में खुआर हो रहे हैं और जो इंतजामिया के सिफारशी लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। अभी इनका स्टोर बंद हो जाएगा जब हमारा नंबर लगेगा, क्या फायदा हुआ है ना? जब हमारा नंबर रहेगा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। हाँ, हम कहाँ जाएं ये बताओ। इनका कोई तरीका काम सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आप इंतजामिया में हैं? आप ये शिकायत कर रहे हैं कि आप सिफारशी लोगों को पहले भेज रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी देर से, अभी आप बंद करने का भी टाइम हो रहा है, तो 5:30 तो होने वाले हैं, तो सिफारशी आप पहले भेज रहे हैं जो लाइन में काफ़ी देर से हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी बारी पे हम डेली आते हैं यहाँ, कम अज कम 700 बंदा यहाँ से गुजर चुका होगा, तो आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें सिफारशी को ना भेजें ना जो लाइन में है, ये सारे शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं ना सारे। चले देख लेते हैं अंदर, तेरह बंदे ठीक है। बाबा जी कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? कितना टाइम हुआ है यहाँ रुके हुए? 4 बजे दिख रहे हैं। 4 बजे के आप इधर रुके हुए हैं? ये बंदा जा रहा है, ये बंदा जा रहा है, ये जा रहा है, मौलिया से जा रहे ने भी आ गए, वो जा रहे ये बुजुर्ग ठहरे हुए हैं, इनका भी ख्याल करें ना आप कुछ। तुझे क्या गिना है वैसे? सिर्फ घ्यू गिना, तो बाकी बाजार जो नहीं मिलता बाजार क्या रेट? इतना क्या रेट मिलता पे? 70 रुपए। ओ सस्ता बाजार भी तो लगा पे, रमजान बाजार उतने को नहीं मिलता। चीनी जरी मिलती पे, आटा मिले पे, दूसरी चीज सस्ता मिले पे, बाकी कोई चीज चीनी भी कैसे मिलती है? सुबह और शाम को ले जाओ, वो चलने बने दे रात दे, चलने बने दे रे ना मिला ना। हां रन्ना में आटा किलो अल्लाह ख्याल करे। हां वो फिर कोई कानून नहीं है पाकिस्तान। नाज़रीन आप इन आवाम की व्यूज सुन रहे हैं। आवाम सुबह से लाइन में लगी हुई है, खराब हो रही है, और इनकी शिकायत है
कि जो लोग सिफारिश लेके आते हैं उनको पहले लेके जाया जाता है, और बाकी जो आवाम है वो चार चार पाँच पाँच घंटों से यहाँ लाइन में लगी हुई है, सुबह से आते हैं शाम तक यहाँ गर्मी में इंतजार करना पड़ता है उनको। बंदर बंदर जाने देते हैं और जी का बात नहीं होती, क्या कह रहे हैं आप बोलें, इसमें बोलें ना आप, जो भी शिकायत है आप इसमें रिकॉर्ड करवाएं।